मौर्यन एम्पायर चैप्टर नंबर 5 आईसीएसई क्लास 9 हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर सारे यूथ को अच्छा से जानना जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारा बायस हिस्ट्री आप लोग पढ़ते आए हैं, जहां आप लोग को पढ़ाया गया है कि हमारे देश में औरंगजेब से बड़ा कोई वॉरियर नहीं हुआ, औरंगजेब से बड़ा कोई लड़ाकू नहीं हुआ। उसके बाद अलेक्जेंडर सिकंदर का नाम आप लोग बहुत सुने हैं कि अलेक्जेंडर बहुत दुनिया को कॉन्कर किया, ये वो अगड़म बगड़म, ऐसा बहुत सारा न्यूज वगैरह आप लोग सुने हैं। और सच सही मायने में बताया तो आप लोगों को प्रॉपरली मॉडर्न डायनेस्टी के बारे में कभी कुछ नहीं पढ़ाया गया, और यदि पढ़ाया भी जाता है तो आधा से ज्यादा पोर्शन को काट कूट करके बराबर कर दिया जाता है। बराबर कर दिया जाता है तो आप लोग को पता नहीं चलता है, आप लोग पढ़ने में ऐसे इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। जानिए थोड़ा कि मौर्यन एम्पायर का इतिहास क्या है, कैसे मौर्यन डायनेस्टी बना, और इसके सबसे पहले रूलर कौन थे, वो रूलर कैसे सीन में आए, एक एक बात को हम लोग जानते हैं। देखिए, मौर्यन डायनेस्टी के पहले एक डायनेस्टी हुआ करता था, जिस डायनेस्टी का नाम था नंदा डायनेस्टी। ठीक है, नंदा डायनेस्टी। डायनेस्टी डायनेस्टी नाम क्या होता है, जहां पे एक राजा के बाद उसका बेटा फिर उसका बेटा लाइन से ये सक्सेशन चलता रहता है, तो उसको डायनेस्टी बोला जाता है। जैसे आप लोग क्लास 8 में एक चैप्टर पढ़ रहे होंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसमें किंग लुई 16 का नाम सुने होंगे आप लोग। लुई 16 जो थे वो बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, BOURBON, बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। उसी तरीके से नंदा डायनेस्टी था, नंदा डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था उसका नाम था धानानंद, धानानंदा, धानानंद बोला जाता है उनको। तो धानानंद के कोर्ट में, उनके पैलेस में एक बहुत विद्वान एक ब्राह्मण हुआ करता था, उस ब्राह्मण का नाम था विष्णुगुप्त, उस ब्राह्मण का नाम था विष्णुगुप्त। उस विष्णुगुप्त का धानानंद बहुत अपमान किया। विष्णुगुप्त तक्षशिला से बिलोंग करते थे, तक्षशिला जगह है, विष्णुगुप्त तक्षशिला से बिलोंग करते थे, और उस विष्णुगुप्त का बहुत अपमान किया गया था, क्योंकि धारानंद के लिए एक बात बहुत पॉपुलर है, वो बहुत ही अत्याचारी और बहुत ही घमंडी राजा में से एक हुआ करते थे। अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते थे, उन्हें अपने ज्ञान पर बहुत ज्यादा अभिमान था, अपने ताकत पर बहुत ज्यादा अभिमान था। ये विष्णुगुप्त बाद में थानानंदा, इनफैक्ट पूरा एंटायर नंदा डायनेस्टी का खत्म होने का कारण बन गए। ये जो नाम आप लोग को हम बोले विष्णुगुप्त, इन्हीं को इतिहास में चाणक्य और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। इससे एक बात समझ में आया कि चाणक्य का कुल तीन नाम था, एक चाणक्य, एक कौटिल्य, एक विष्णुगुप्त। बहुत बड़े विद्वान थे। आज आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, आप लोगों को इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जा रहा है कि एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ऑल, अर्थात आप लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, और पूरा दुनिया जो है पॉलिटिकल साइंस में बहुत बड़े बड़े सब मार्क्स वार्क्स का नाम लेते हैं, कार्ल मार्क्स है, उसके बाद आपका सोक्रेट्स है, इन लोगों का नाम लिया जाता है। मैं आपको बता दें, ये लोग सब बच्चे थे, एक्चुअली में बच्चे थे, ये लोग जिनका किताब पढ़े, ये लोग जिनका किताब पढ़ करके पूरा रिसर्च करके अपना थ्योरी को डेवलप किए, वो चाणक्य थे। चाणक्य किताब लिखे थे, किताब का नाम था अर्थशास्त्र। अर्थ का मतलब होता है पैसा, हिंदी में अर्थ का मतलब पैसा होता है। एक तो अर्थ का मतलब मीनिंग होता है, आपको पता है, अर्थ का और भी पर्यायवाची है, उस पर्यायवाची का मतलब हुआ पैसा। शास्त्र मतलब होता है थ्योरी, यानी कि पैसा का शास्त्र। ठीक है, ये बहुत रिच बुक है जिसमें इकोनॉमिक्स का सारा थ्योरी लिखा हुआ है, डिमांड सप्लाई, उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, सब कुछ लिखा हुआ है, A to Z, कुछ भी नहीं बचा है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, बहुत कम लोग इस बात का उल्लेख करते हैं कि अर्थशास्त्र सिर्फ इकोनॉमिक्स के ऊपर बात नहीं कर रहा है, इकोनॉमिक्स के साथ साथ पॉलिटिक्स के ऊपर भी बात करता है। पॉलिटिक्स को हिंदी में बोलते हैं सियासत, पॉलिटिकल थ्योरी का भी डिस्क्रिप्शन दे रहा है। एक राजा को कैसा होना चाहिए, राजा का क्या क्या कर्तव्य है, राजा के लिए जनता पहले कि राजा का अपना सुख पहले, इन सारा थ्योरी के बारे में उसमें मेंशन किया हुआ है। बहुत बड़े विद्वान थे चाणक्य। आज दुनिया के बड़े बड़े
नेता लोग या बड़े बड़े जितने भी लीडर्स लोग हैं, हमको पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, व्लादिमीर पुतिन का एक स्टेटमेंट था, जानते कौन कौन नहीं जानता व्लादिमीर पुतिन कौन है? हाँ भैया एक बार, व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट, बहुत अच्छे एक प्रेसिडेंट में से माने जाते हैं। तो व्लादिमीर पुतिन एक बार बोले थे जब वो इंडिया आए थे कि अर्थशास्त्र को ट्रांसलेट करवा करके उन्हें उन्होंने अर्थशास्त्र पूरा पढ़ाया और उससे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए। हमारा भारतीय इतिहास एक्चुअली में बहुत नीच रहा है। अब आते हैं चाणक्य का अचीवमेंट कि किस तरीके से उन्होंने नंदा डायनेस्टी को खत्म किया। चाणक्य का अपमान होने के बाद चाणक्य वहां से निकल करके वो जा रहे थे, अपने गांव जा रहे थे, तो रास्ते में एक बालक से उनका मुलाकात होता है जो एक्चुअल इतिहास है। वो आप लोग का टीवी वगैरह में क्या क्या दिखाया है हम फैमिली में इंटरेस्ट नहीं। एक बच्चे को वो बहुत दिन से ऑब्जर्व कर रहे थे, बच्चे का बहुत टैलेंट था, गांव में खेलते होते बच्चे का प्रेजेंस ऑफ माइंड सब कुछ देख करके बहुत खुश हुआ थे। काम होता है ना लोग कि आप कुछ कर उड़ रहे हैं तो साइड में बैठ करके आपको देख रहे होते हैं कि आपका दिमाग क्या है क्या नहीं। उसके बाद देखिए चाणक्य को जिस प्रकार का कैंडिडेट चाहिए था वो कैंडिडेट मिल गया। चाणक्य उसी समय डिटरमाइंड हो गए थे कि यही मेरा वो सबसे बड़ा हथियार बनेगा जिसको हम खड़ा करेंगे धारानंद के खिलाफ। और देखिए सुनने में बहुत आसान लग रहा है मगर बहुत कठिन चीज है ये कि उन्होंने उस बालक को तैयार किया, उसे युद्ध विद्या सिखाई, उसे राजनीति सिखाया, उसे राजपाट सिखाया, सब सिखा करके उसको तैयार कर दिया। मगर आप किसी राजा को अटैक करने जा रहे हैं तो अकेले तो आदमी जाएगा नहीं। सबसे चैलेंजिंग काम था आर्मी खड़ा करना। फिर चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों मिल करके आर्मी खड़ा किए। बहुत बहुत कठिन काम था ये। और उस पूरे आर्मी को लेकर के इन्होंने नंदा डायनेस्टी के ऊपर अटैक किया। धारानंदा संभाल नहीं पाए, धारानंद को खत्म कर दिए, नंदा डायनेस्टी खत्म और मौर्य साम्राज्य शुरू, मौर्य डायनेस्टी वहां से शुरू हुआ। इतिहास बोलता है कि मौर्य डायनेस्टी के समय में अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो उस समय से डेवलप हुआ था जहां इंडिया का टेरिटोरियल एक्सपेंशन बहुत दूर तक चला गया था। बहुत सारा रोचक बात है, क्या आप लोग जानना चाहेंगे? आपको बता दें एलेक्जेंडर पोरस का कहानी आप लोग कभी सुने होंगे, जानते होंगे। एलेक्जेंडर सेल्यूकस को भेजा था इंडिया कि जाइए अटैक करिए, हमको इंडिया चाहिए। सेल्यूकस एलेक्जेंडर का बहुत खास जनरल था। एलेक्जेंडर कहाँ से बिलोंग करते थे? बोलिए, ग्रीस। ग्रीस से बिलोंग करते थे एलेक्जेंडर, ग्रीस कंट्री से बिलोंग करते थे। और एक समय में ग्रीस का बहुत पावरफुल कंट्री बना था क्योंकि कल्चरली बहुत रिच था, बहुत पैसा हुआ करता था, तो आर्म फोर्स बहुत अच्छा था, टेरिटोरियल एक्सपेंशन बहुत तेजी से कर रहा था। सेल्यूकस बहुत तेजी से इंडिया आए, जितना तेजी से इंडिया आए उतना ही तेजी से वापस भी चले गए। ऐसे ही कुछ सीन हुआ था मोहम्मद घोरी के केस में। जब आप लोग को हम दिल्ली सल्तनत पढ़ाएंगे तब बताएंगे, मोहम्मद घोरी नया नया लड़का मार्केट में आकर के सोचा था कि बाप से भिड़ जाएंगे। उसके बाद जैसे आया पंजाब पार किया, पंजाब पार करने के बाद जमाना जब्त, अरेस्ट हो गया। फिर वो उसका बाप बैठा हुआ था अजमेर में, पृथ्वीराज चौहान बोले जाते हैं। तो वैसे ही सेल्यूकस जैसे घुसा, घुस करके तो तेरा तो 440 का वोल्ट है, तुरंत विड्रॉ कर लिया अपने आप। ना बहुत खतरनाक आदमी बैठा है। देखिए सेल्यूकस का एक बहुत खास आदमी हुआ करता था जिसका नाम था मेगस्थिनिस, जिसको हिंदुस्तान भेजा गया था। वो किताब लिखा था इंडिका, मतलब इंडिया का। उसमें बोला हुआ है कि सेल्यूकस का स्टेटमेंट था कि हमको जितना चंद्रगुप्त मौर्य से दिक्कत नहीं है उससे ज्यादा दिक्कत उसका गुरु से है, मतलब चाणक्य से।
बहुत खतरनाक आदमी है, इसका दिमाग जो है ये रावण है, 10 स्तर वाला है इसका। सेलुकस बोला था कि अकेले यदि चंद्रगुप्त मौर्य हमको मिला होता हम इसको सटा दिए होते, मगर ये चाणक्य का होना, तब सेलुकस ये स्टेटमेंट दिया था कि जब तक चाणक्य है मौर्य डायनेस्टी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस तरह कौरवों के लिए बोला जाता था ना कि जब तक भीष्म पितामह खड़े हैं कोई कुछ नहीं कर सकता कौरवों का, भीष्म पितामह तो महाभारत के युद्ध में खुद अपने इच्छा से हारे हैं, वो विलिंगली लड़ाई कर ही नहीं रहे थे कौरव की तरफ से, वरना कोई भीष्म पितामह को हरा देता, इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो वैसा ही कुछ दृश्य मौर्य डायनेस्टी में चाणक्य को लेकर के, सोचिए कि सेलुकस जितना बड़ा वॉरियर कितना खुश हो गया होगा चंद्रगुप्त मौर्य से और मौर्य डायनेस्टी से कि अपनी बेटी हेलेना, हेलेना का शादी करवा दिया, हेलेना का शादी करवा दिया चंद्रगुप्त मौर्य से। और इतना ही नहीं, बहुत ह्यूज क्वांटिटी में वॉर एलिफेंट्स वगैरह सबका सब ग्रीस से इंडिया भिजवाया। और उस वक्त का एक नियम होता था कि यदि आप देश का राजा है, आप दूसरे देश के राजा को इज्जत देना चाहते हैं, अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो अपने देश से कोई बड़ा राइटर को उस देश में भेज दीजिए जिस देश के राजा को आप इज्जत देना चाहते हैं, और वहां का इतिहास लिखवा दीजिए। हेंस सेलुकस ने मेगस्थिनीस को इंडिया भेजा था कि जाओ मौर्य डायनेस्टी में बैठो, यानी कि पाटलिपुत्र करंट डे पटना, पटना में जाओ जा करके ये मौर्य साम्राज्य का इतिहास लिखो, देखो वहां पे क्या हो रहा है। और मेगस्थिनीस ने जो इंडिया का डिस्क्रिप्शन किया था, अद्भुत हिंदुस्तान, ऑल्दो बोला जाता है कि इंडिका का बहुत सारा पन्ना आज के समय में अवेलेबल नहीं है, वो गायब हो गया है, मगर जो जो है उसके बेसिस पे एंड एट द सेम टाइम उस वक्त जो कौटिल्य लिखे थे अर्थशास्त्र, उसके बेसिस पे मौर्य डायनेस्टी का पूरा इतिहास हम लोग जान पाते हैं। देखिए इससे एक बात और समझ में आया कि यदि आप उसे पूछता है कि व्हाट आर द टू लिटरेरी सोर्सेस टू रिकॉन्स्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द मौर्यन एम्पायर, तो हम लोग एक बोलेंगे कौटिल्यस अर्थशास्त्र, सिर्फ किताब का नाम मत लिखिएगा बच्चों, कौन ऑथर है वो भी मेंशन करिएगा, कौटिल्यस अर्थशास्त्र, मेगस्थिनिस इंडिका का, क्लियर। बताए चाणक्य इतने गजब दिमाग के थे। देखो एक कहावत है इंग्लिश में, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और बोला जाता है कि युद्ध को जीतने के लिए साम दाम दंड भेद, कभी सुने होंगे साम दाम दंड भेद सब यूज कर लो, आपको अल्टीमेटली युद्ध जीतना है बस, दैट्स इट। हिंदुस्तान में पहली बार विष कन्या का कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे चाणक्य। विष कन्या का नाम सुने कभी आप लोग? नहीं सुने? सुने देखिए वो माइथोलॉजी जानते हैं विष कन्या के बारे में, जो लोग देखिए जो लोग माइथोलॉजी से जुड़े हुए हैं उन लोगों को ठीक पता है, विष कन्या का कॉन्सेप्ट सबसे पहले हिंदुस्तान में चाणक्य ने लेकर के आया था। विष कन्याएं अत्यंत सुंदरी हुआ करती थी, अत्यंत सुंदरी, राज्य की जो बहुत सुंदरी, जो नहीं होता बचपन से पता चल जाता है कि लड़की आगे बहुत ब्यूटीफुल होगी, तो चाणक्य उन लोग को स्पेशल ट्रेनिंग देते थे। क्या किया जाता था, उन लोगों को आए दिन बिच्छू से डंक मरवाया जाता, सांप से डंक मरवाया जाता, थोड़ा थोड़ा करके, बोला जाता है स्लो पॉइजन देना, बोला सुना स्लो पॉइजन देना, वो डंक मरवाते 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 ऐसा हो गया कि फ्यूचर में उसको कोई बड़ा कोबड़ा कोबड़ा भी काट लेगा ना, कोबड़ा मर जाएगा, उसको कुछ नहीं होने वाला क्योंकि उसके बॉडी में इतना पॉइजन हो गया है। और ये विष कन्या का नाखून बहुत बड़ा बड़ा होता है, इसीलिए आज भी गाँव में देखिएगा, यदि गाँव में तो बहुत शिष्टाचार होता है, बहुत डिसिप्लिन होता है, तो वहां पे कोई लड़की यदि बहुत बड़ा नाखून रखती है ना तो सब लोग बोलते हैं विष कन्या है कारे, हाँ यही बोलते हैं क्योंकि विष कन्या का बहुत बड़ा बड़ा नाखून हुआ करता था। और बता दें कि वो विष कन्या एक एक्वेरियम, मान लीजिए वो एक्वेरियम है उसमें खाली अपना ना नाखून डाल के से निकाल लेगी ना, सिर्फ नाखून डाल करके निकाल लेगी, विद इन 2 सेकंड आपको दिखाई पड़ेगा एक्वेरियम के अंदर का जितना मछली है सब मर गया, सब मर जाएगा।
नाखून में पूरा पॉइजन भरा हुआ है, और किसी को यदि हल्का सा खरोच ली ना, हल्का सा खरोच ली, आदमी फिनिश्ड, मुंह से गाज वाज फेंक देगा, मर जाएगा, तुरंत मर जाएगा। पूरा राज्य में चाणक्य ऐसे बहुत सारे विष कन्याओं को सेट करके रखे थे, वो भी एकदम बॉर्डर में, मौर्य डायनेस्टी का जो बॉर्डर है, बॉर्डर में बहुत विष कन्या बैठी हुई थी। अब देखिए होता क्या था, पहले के सब राजा लोग अयास हुआ करते थे, लड़कीबाज हुआ करते थे, एक्चुअली वो लोग अयास हुआ करते थे। तो वो लोग जब घुसते थे तो जहां भी कुछ सुंदर लड़कियों को देख लेते थे, जैसे माइथोलॉजी में एक कहावत, एक कहानी है कि भस्मासुर बोल के राक्षस हुआ करता था, उसको शिव जी ने वरदान दिया था, तो जिसके ऊपर के हाथ रख देगा वो जल जाएगा। एक दिन उसका दिमाग पगला गया, पार्वती माता शादी करने के लिए कैलाश चला गया था, और सब कैलाश में सबको को छूते जा रहा था, सबको को भस्म करते जा रहा था। शिव जी तुरंत गए विष्णु जी के पास, क्योंकि तो विष्णु जी तो बहुत अवतार लेते ही रहे हैं, तो विष्णु जी को बोले कि मदद करिए, क्या कर रहा है ये पागल आदमी। विष्णु जी क्या किए, एक अप्सरा का रूप ले लिए, बहुत गजब अप्सरा का रूप लेकर के भस्मासुर के सामने आ गए। भस्मासुर खुश, अरे वाह क्या अडवाणी आ गई। हाँ, अब विष्णु जी डांस कर रहे थे, वो भी डांस करना शुरू कर दिया। अब विष्णु जी डांस करते करते ऐसे अपने माथे के ऊपर हाथ रखे, वो भी पगल हुआ, अपने माथे के ऊपर हाथ रखा, फिनिश्ड शेष। तो इसी कुछ तरीके का सिम्टम, देखिए ये सब बात उसको पता होगा जो लोग अपने से पहले का माइथोलॉजी पढ़ा है, चाणक्य को पता था कि ऐसा कुछ सीन हुआ है, तो वो एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया विष कन्या का। अब जितना भी इन्वेडर्स मान लो कि अटैक यदि कर दिया, यदि पहला बात तो मौर्य डायनेस्टी का बॉर्डर तक पहुंच पाना है बहुत मुश्किल था, चारों तरफ से बहुत खतरनाक जंगल, जंगल में पागल हाथी लोग को छोड़ दिया गया था। एक्चुअली आपको बता दें, मेगास्थिनिस इंडिका में लिखा है कि वहां के जो हाथी हुआ करते थे, जंगल के जो हाथी हुआ करते थे, उनको भांग खिलाया जाता था, बहुत ह्यूज क्वांटिटी में भांग, उनको नशा कराया जाता था। हाथियों को यदि आप नशा करवा देंगे ना, पगला जाएगा वो लोग। देखिए बोला जाता है, एक कहावत है कि हाथी को पता नहीं होता है कि उसका आकार क्या है, यदि हाथी को पता चल गया कि उसका आकार क्या है तो तबाही लेकर के आ जाएगा, तांडव कर देगा चारों तरफ। और हाथियों को यदि आपको बताना है कि हाथी का आकार क्या है, तो उसको नशा करवा दीजिए। और चाणक्य वहां पे रेगुलर इंतजाम करवा के रखा था मदिरा का, और पानी जो हाथी का पीने का पानी हुआ करता था नाग में, पूरा नशा मिला कर रखा हुआ करता था, हाथी पी रहे हैं। अब एनी टाइम हाथी नशा में, इनफैक्ट कई सारे मौर्य डायनेस्टी के सिपाही लोग भी मारे गए। अब वो मारने निकला, उसको क्या पता कि मेरे राज्य का है कि दूसरे राज्य का है, उसको जो भी सामने दिखाई पड़ा उड़ा दे रहा। बोला जाता है कि 7,500 हाथी मौर्य डायनेस्टी के नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जितना भी सब फॉरेस्ट हुआ करता था, उसमें 7,500 हाथी थे, खतरनाक खतरनाक और जानवर छोड़कर रखा गया था। पहला वक्त तो सैनिक लोग वहां से घुसता था, आधा तो वहीं पे साफ हो जा रहा है, कोई कार्निवोरस का शिकार हो जा रहा है, कोई हार्बिवोरस का शिकार हो जा रहा है, हार्बिवोरस वाले लोग उसको मार करके कार्निवोरस वाले को ट्रांसफर कर दे रहा है, तो इकोलॉजिकल बैलेंस वहां पे हेवी चल रहा था। अब मान लीजिए कोई बच उच करके बाहर निकल आया, पहला बात तो बॉर्डर पहुंचेंगे कि मौर्य डायनेस्टी के जितने भी सब सिपाही हुआ करते थे, बॉर्डर में वो लोग डिस्गाइज करके घूमते थे अपने आप को, डिस्गाइज समझ रहे, चेहरा वेहरा बदल करके घूम रहे, नॉर्मल एक सिविलियन की तरह घूम रहे, जैसे पीसी पार्टी होता है गोलाबारी थाना का, नॉर्मल ड्रेस में घूमता रहता है, और कहीं पर कुछ उल्टा पुल्टा हरकत हो रहा होगा, सीधा पकड़ेगा, मार तीन चार पड़ाका मारेगा, अरेस्ट अंदर कर देगा। और वो जो सब स्पाइज हुआ करते थे, स्पाई जासूस, वो लोग तुरंत किसी का भी मूवमेंट थोड़ा अलग देखते थे, यदि तुरंत उसको साइड में ले जा करके पता करते थे कौन है, खत्म कर देते थे, राजा तक बात भी नहीं आता था, राजा के पास समय नहीं, आपको यदि कोई सस्पेक्ट दिख रहा है सीधा उड़ा दो, बातचीत नहीं। उसके बाद कोई यदि अंदर आ गया, उस वक्त विष कन्या लोग थी, विष कन्या लोग को बकायदा चाणक्य की तरफ से अच्छा खासा सैलरी मिलता अपने आप को मेंटेन रखने का, वही कॉस्मेटिक उस्मेटिक का खर्चा उर्चा, कि वो लोग बहुत जल्दी
ऐसे ऐसे लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सके। उसके बुलाती थी, आइए चाय में पीजिए, बस बात करते करते हल्का हाथ मार देती होंगी सेस। पहला बार तो मॉरल देख रहे कितना खतरनाक सेटअप करके रखा हुआ था, कोई कैसे रहने आएगा। सेलुकस पला गया था, बोल रहा हो क्या रहा है, हम जा रहे देख रहे हैं, पता नहीं क्या मैं सैनिक चलते चलते गिर जा रहा है। इवन जो आप बाउंड्री घुस रहे हैं, आप जंगल पार करके आप राज्य के अंदर घुस रहे हैं, बीच में पूरा गड्ढा करके रखा हुआ, पूरा गड्ढा था, गड्ढा के ऊपर झाड़ी घुसा उठा था भर के रखा हुआ था। आप आगे बढ़ रहे हैं, हाथी फाथी सब अंदर, और अंदर मतलब बहुत डेप्थ, आप मेंटल में चले गए हैं अर्थ के अंदर में, फिनिश्ड। तेलुगु बहुत ज्यादा ना भाई, इंडिया बहुत खतरनाक जगह, मतलब मॉडर्न डायनेस्टी जब तक रहेगा इंडिया में कुछ नहीं हो सकता। इस तरीके का था तैयारी, ये था मौर्य साम्राज्य। और एक से एक खतरनाक राजा हुए, चंद्रगुप्त मौर्य बहुत बड़े राजा, फाउंडर ऑफ द मॉडर्न डायनेस्टी, पूरा पूरा इंडिया कैप्चर कर लिए थे, मतलब पूरा इंडिया में उनका एक्सपेंशन था, कैप्चर नहीं बोलेंगे, पूरा इंडिया में उनका एक्सपेंशन था, इंडिया के बाहर में अफगानिस्तान तक। आप लोग को याद होगा हम बताए थे कंधार नरेश, शकुनी बोला जाता था, कंधार अफगानिस्तान में है, आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, बलूचिस्तान कंधार सब कुछ चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में था। एक जगह खाली बचा रह गया, वो था कलिंग। एक जगह जो चंद्रगुप्त मौर्य बिंदु सारा कंक्वायर नहीं कर पाया था, वो था कलिंग। कलिंग मतलब आज का उड़ीसा। फिर जब अशोक आए, अशोक भी मौर्य डायनेस्टी के ही थे, जब अशोक आए तो अशोक अपना पूरा ताकत झोंक दिए थे, मतलब बाप दादा का जितना प्रॉपर्टी मिला था वो सारा रिसोर्सेस को लगा दिए थे कलिंग का लड़ाई जीतने के लिए। फिर कलिंग का लड़ाई जीते, बहुत बड़ा खून का नदी बह गया था वहां, इसीलिए बोला जाता है कलिंग का लड़ाई अशोक के लाइफ का टर्निंग पॉइंट माना जाता है, क्योंकि उस लड़ाई के बाद, उस लड़ाई में जितना खून खराबा हुआ उसको देख करके अशोक का जो मन था वो पूरा एकदम चेंज हो गया। उसके बाद वो लड़ाई वड़ाई करना छोड़ दिए। हालांकि इतिहास कभी इस बारे में बात नहीं किया है, इतिहास खाली यही बोला कि अशोक कलिंग के बाद चेंज हो गए, कभी ये नहीं बोला कि अशोक कलिंग के पहले बहुत क्रूएल राजा थे, बहुत क्रूएल थे, मर्सीलेसली लोगों को मारते थे, ये सच बात है। कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड रहा है हमारे मौर्य डायनेस्टी का, और एक तरफा इतिहास, बायस इतिहास मौर्य एम्पायर को हमेशा इग्नोर कर देता है। हम इतना आप लोग को गारंटी के संग बोल दे रहे हैं कि ये चैप्टर जिनके जिनके भी स्कूल में पढ़ाया गया होगा, ये विष कन्या का कॉन्सेप्ट, हाथियों का कॉन्सेप्ट के बारे में बात ही नहीं किया होगा। पता नहीं टीचर लोग बताने में क्यों नहीं इंटरेस्टेड रहते हैं, अपना देश का यशगान कर रहे हैं आप, कोई झूठा यशगान नहीं कर रहे हैं, जो हमारे देश का सच बात था वो बिल्कुल बच्चों को बताना चाहिए। नहीं पता हो तो अलग बात है, बहुत बड़ा जुर्म है, यदि पता है उसके बाद भी यदि आप नहीं बता रहे हैं देन दिस इज नॉट गुड। चलिए अब बुक से लिखते हैं, मेरे ख्याल से फर्स्ट पेज आप लोगों का नहीं है, एज पर द स्कोप फर्स्ट पेज नहीं, उसके बाद सीधा आइएगा लिटरेरी सोर्स शुरू होता है, एक्चुअली लिटरेरी सोर्स से शुरू हो रहा है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देर आर मेनी सोर्सेस टू रिकॉन्स्ट्रक्ट द एज ऑफ द मौर्यास। लिटरेरी सोर्स में देखिए इंडिगा बोला हुआ है, अर्थशास्त्र बोला हुआ है, दोनों के बारे में आप लोग को हम बता चुके हैं। यहाँ बोल रहा है इंडिका ऑल्सो स्पेल्ड एज इंडिका वॉज रिटन बाई मेगास्थेनीस द ग्रीक एम्बेसडर, मतलब जो बोलते हैं ना कोर्ट पोएट को भेजा जाता है टू पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र क्यों, क्योंकि पटना अभी करेंट डे पटना, अर्लियर नेम पाटलिपुत्र। ही लिव्ड एट द मौर्यन कैपिटल, मतलब पाटलिपुत्र जो था वो मौर्यन डायनेस्टी का कैपिटल था, राजधानी था। ध्यान रखिएगा बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि मौर्यन डायनेस्टी का कैपिटल कौन सा था, तो पाटलिपुत्र। फॉर अबाउट 5 ईयर्स फ्रॉम हिज बुक वी गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है काउंसिल, कई बार पूछा है कि मौर्यन डायनेस्टी का क्या क्या इंफॉर्मेशन हम लोगों को इंडिका से मिलता है। तो पहला बोला गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मौर्यन आर्मी, कि मौर्यन आर्मी किस तरीके से ऑर्गेनाइज था, मतलब स्टैंडिंग आर्मी हुआ करता था। स्टैंडिंग आर्मी का मतलब है जो हमेशा अलर्ट रहते थे, रात में यदि मान लीजिए दुश्मन लोग गुरिला वॉरफेयर कर दिए, रातों रात यदि घुस गए तो अभी भी इन लोग को दिक्कत नहीं था, ये लोग अलर्ट रहते थे, सारे सिपाही एक संग नहीं सोते थे,
पहरेदारी हुआ करता कि इतना सिपाही जगे जगते रहेंगे, फिर जैसे शिफ्ट होता ना काम का, नाइट शिफ्ट होता है, मॉर्निंग शिफ्ट होता है, तो वैसे पहरेदारी होता है, तो इसी को बोला जाता है स्टैंडिंग आर्मी। उसके बाद देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र, किस तरीके से राजा लोग राज्य चलाते थे। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये भी होता है कि जनता कितना राजा से खुश था, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक राजा के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट तब होता है जब जनता उनसे बहुत खुश हो। उसके बाद देखिए दिया हुआ है ग्रोथ इन द इकोनॉमी स्पेशली एग्रीकल्चर, द कस्टम्स एंड रिलीजियंस ऑफ द पीपल, मेगास्थनीज ओरिजिनल इंडिका हाउएवर वाज लॉस्ट बट मेनी ऑफ फैक्ट गिवन बाय हिम आर सपोर्टेड बाय द वर्क्स ऑफ अदर ग्रीक राइटर्स सच एज स्ट्रैबो, प्लूटार्क एंड जस्टिन। अब देखिए इंडिया का मॉडर्न डायनेस्टी के समय में ग्रीस से बहुत अच्छा रिलेशन था। ग्रीस में हमेशा ग्रीस से लोग यहाँ आते थे, यहाँ से लोग ग्रीस में आते थे। तो ग्रीस कंट्री के जो बड़े बड़े और राइटर थे, जैसे यहाँ पर जस्टिन बोला गया है, प्लूटार्क बोला गया है, वो लोग भी उस वक्त जब इतिहास लिख रहे थे ग्रीस का, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन लिखा गया, तो उसमें बताया गया ना कि हड़प्पन का ट्रेड रिलेशन किससे किससे था। उसी तरीके से ग्रीस हिस्टोरियंस लोग इंडिया का अपने इतिहास में मेंशन करके रखे हैं। समझ में आया? तो मेगास्थनीज इंडिका में जो जो बात बोले थे, वो सेम बात ग्रीस में बैठे हुए इतिहासकार लोग भी इंडिया के बारे में लिखे थे। इससे समझ में आ रहा था कि LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ। समझ में आ गया? चलिए अब देखिए अर्थशास्त्र, बाबाज बुक, द बुक अर्थशास्त्र इज एट्रीब्यूटेड टू कौटिल्य और चाणक्य, इट कंटेन्स अबाउट 6,000 वर्सेस डिवाइडेड इनटू 15 सेक्शंस, इट प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ द आर्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, बताता था कि राजा का क्या क्या ड्यूटी होता है, जो मैं आप लोग को बताया चाणक्य सब कुछ लिखे थे कि एक राजा का क्या क्या कर्तव्य है। साथ ही साथ फंक्शंस ऑफ मिनिस्टर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिविल सर्विस, मतलब राजा के लिए काम करने वाले लोग, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट, IAS IPS, जो स्पाई सिस्टम, राजा को किस तरीके से अरेंज करके रखना था, ये सारा बात लिख के गए हैं। उसी मॉडल पे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन शुरू हुआ, उसी मॉडल पे IAS IPS का अपॉइंटमेंट शुरू हुआ, उसी मॉडल पे उसके बाद गवर्नर, उसके बाद डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, सबका कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। ये सब बात बुक पढ़े लिखे चले गए थे। इट ऑल्सो डील्स विद द हाई लेवल डिप्लोमेसी एंड रिलेशन बिटवीन द वेरियस स्टेट्स, कौटिल्यस आइडियल स्टेट शुड प्रोवाइड रिलीफ टू द पुअर, द ऑर्फेंस एंड द ओल्ड एंड इनफर्म, इन द इवेंट ऑफ अ फेमाइन स्टेट ग्रेनेडियर्स शुड ओपन देयर डोर्स टू दोज हु आर स्टार्विंग। मतलब ये बोल रहे थे कि एक अच्छे राजा का और एक अच्छे राज्य का सबसे पहला कर्तव्य ये होता है कि वो हमेशा अपने जनता का हित के बारे में बात करे, जनता का बेनिफिट के बारे में बात करे। और जिस भी समय मान लीजिए सूखा पड़ गया, ड्रॉट बोलते हैं, या मान लीजिए भुखमरी हो गया, पेमाइन बोलते हैं, फ्लड आ गया, बाढ़, उस वक्त तो भैया क्रॉप तो ग्रो होता नहीं है, तो लोग तो भूखा मरेंगे। तो राजा का कर्तव्य है कि राजा जो जनता से टैक्स लेता था क्रॉप्स के रूप में, उस वक्त टैक्स का दो तरीका होता था, आइदर इन कैश और इन काइंड। काइंड का मतलब हो गया आप कैश नहीं दे पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप इतना क्रॉप ग्रो किए हैं उस क्रॉप का कुछ परसेंटेज दे दीजिए, क्रॉप्स के फॉर्म में ही ले लिया जाता था, तो उसको इन काइंड बोला जाता था। समझ में आया बात? तो जितना क्रॉप्स राजा के पास है कहाँ रहता था, ग्रेनरी में, भंडार जिसको बोला जाता था। तो भंडार का दरवाजा खोल दीजिए, क्योंकि उस वक्त उस क्रॉप्स का सबसे ज्यादा दरकार जनता को है, क्योंकि तो भैया खेती बाड़ी तो हो नहीं रहा है, जनता भूखा तो नहीं मरेगा, और राजा जनता से है, जनता राजा से नहीं है, राजा जनता से है। तो राजा का सबसे पहला कर्तव्य यह है कि वो जनता का हित के बारे में बात करे। ये सारा बात आप सोचिए कि चाणक्य अपना किताब में लिख सकते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य को तो सिखाए होंगे, फॉलो करवाते ही रहे होंगे, तो चंद्रगुप्त मौर्य कितना परफेक्ट राजा रहा होगा। समझ में आ गया बात? क्लियर है? उसके बाद देखिए अदर वर्क्स में बोला हुआ है, इसमें सिर्फ नाम ना देखना है, विशाखा दत्ता मुद्र राक्षसा इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट हिस्टोरिकल ड्रामा इन द होल ऑफ द संस्कृत लिटरेचर। ये प्यार मोहब्बत का स्टोरी है, जो मॉडर्न डायनेस्टी के राजाओं लोगों के द्वारा जो लव अफेयर्स था उसका पूरा डिटेल्स कंटेन कर रहा है। विशाखा दत्त ऑथर थे, उनका बुक का नाम है मुद्र राक्षसा। ध्यान रखिएगा स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। उसके बाद सीधा आ जाइए आर्कियोलॉजिकल सोर्स, लिटरेरी सोर्स में हम लोग तीन का नाम पढ़े, एक कौटिल्य अर्थशास्त्र, मेगास्थनीस इंडिका, विशाखा दत्तास मुद्र राक्षसा। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्स पूछता है तो अशोकास पिलर,
देखिए क्या हुआ था, कलिंग वॉर के बाद अशोका बुद्धिज्म धर्म को अपना लिए थे। तो बुद्धिज्म धर्म का जितना प्रिंसिपल्स है, सारा प्रिंसिपल्स को उस वक्त पाइनियर और बुड्ढे का कॉपी तो आता नहीं था, तो उसमें बैठ के लिखते रहे सेलो ग्रीपर पेन से और ट्रेनेक्स पेन से। तो उस वक्त बड़ा बड़ा रॉक पिलर के ऊपर इंस्क्राइब किया जाता था। इंस्क्राइब का मतलब आप लोग पढ़ा दिए थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, जहां पे आप उसको गोद करके लिखते हैं, जैसे हम लोग अपने टैटू करवाते हैं तो इंस्क्राइब करवाते हैं, है ना। उसी तरीके से पिलर्स में अशोक अपना बुद्धिज्म धर्म का, अपना नहीं मतलब बुद्धिज्म धर्म का सारा प्रिंसिपल्स को जो लिखवाए थे, क्यों लिखवाए थे, ताकि आते जाते सब लोग उस पिलर में लिखा हुआ सारा प्रिंसिपल्स को पढ़ सके, पढ़ करके बुद्धिज्म धर्म के तरफ अपने आप को डिवोट कर सके, और बुद्धिज्म धर्म का जो प्रिंसिपल है, अच्छी बातें हैं, उसको अपनी जिंदगी में फॉलो कर सके। समझ में आया बच्चों, क्लियर है। यहाँ दिया हुआ है एन एडिक्ट मीन एन ऑफिशियल ऑर्डर और प्रोक्लेमेशन। एडिक्ट का मतलब ही होता है राजा के द्वारा कोई दिया हुआ कमांड। ध्यान रखिएगा, उस वक्त राजा लोगों को यदि कोई चीज इन रिटेन देना होता था, तो वो लोग पब्लिक नोटिस के रूप में, जैसे आज के समय में हम लोग सोशल मीडिया में देखते हैं सर्कुलर आता है ना कि लॉकडाउन लगने वाला है, तो एक सर्कुलर आता है, उस वो सब अभी एडिक्ट है, ठीक है। तो उस एडिट को उस वक्त कैसे लिखा जाता था, रॉक पिलर्स वगैरह के ऊपर में इंस्क्राइब करा दिया था। अब मान लीजिए सब कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, गांव में 5 लोग पढ़ा लिखा है, वो 5 लोग पढ़ा लिखा लोग उसको पढ़ करके माउथ पब्लिसिटी कर देता था, सब कोई को पता चल जाया करता, समझ में आया। तो वो रॉक एडिक्ट आज भी पाया गया है, अभी भी है, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में वो सारा रॉक एडिक्ट मिला। तो उससे एक बात समझ में आया, अशोक जो है पूरे बुद्धिज्म धर्म के फॉलोअर थे। उसमें सिर्फ प्रिंसिपल्स नहीं लिखा है, उसमें ये भी लिखा हुआ है, जैसे आप लोग प्रोजेक्ट में लिखते हैं ना लास्ट में कि कौन कौन आपका हेल्प किया है एंड ऑल थैंक यू देते हैं, तो वैसे ही उसमें लिखा हुआ है कि अशोक खुद बुद्धिज्म धर्म के बारे में क्या सोचते थे, वो सारा थॉट अशोक का खुद का लिखवाया हुआ है। इसी से पता चला कि अशोक बुद्धिज्म धर्म के फॉलोअर थे, वरना बुद्धिज्म धर्म का प्रिंसिपल और जैनिज्म धर्म का प्रिंसिपल में बेसिक डिफरेंस नहीं है। तो अपने लोग तो ये बोल सकते थे कि भैया वो जैनिज्म धर्म का होगा, बट नहीं, अशोक महावीर के बारे में, महावीर बोल रहे हैं, गौतम बुद्ध के बारे में बकायदा प्रशंसा लिखे, इससे समझ में आया कि वो बुद्धिज्म धर्म के फॉलोअर थे। क्लियर है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है अशोकस एडिक्ट्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू टू क्लास, दोज इंग्रेव्ड ऑन रॉक्स एंड दोज इंग्रेव्ड ऑन पिलर्स ऑफ द स्टोन। एक तो पत्थर के ऊपर और पत्थर का बना हुआ पिलर, ईटा का बना हुआ पिलर होता है, ठीक है, उस वक्त पत्थर का बना हुआ पिलर होता था। तो एक तो नॉर्मल पत्थर के ऊपर लिखवा देते थे और एक पत्थर का बना हुआ पिलर के ऊपर लिखवाया करते थे, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। दूसरा वाला में ज्यादा मेहनत है, क्योंकि पूरा पिलर बना हुआ है, बहुत स्ट्रांग है, ज्यादा हार्ड है, उसको आप इंग्राइब कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उसमें समय लगता है। दे आर द मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मॉडर्न हिस्ट्री बिकॉज दे आर बेस्ट प्रिजर्व एंड ऑल्सो बियर द ईयर ऑफ अशोक रेन। अशोक कब से कब तक थे, उनका टाइम पीरियड, वो भी उसमें मेंशन किया हुआ है। इसके बाद का पोर्शन नेक्स्ट सेशन में आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं।